ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी, कर्मों का हिसाब। एक बार एक आशा नाम के गरीब लड़की को पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु उसके घर वालों को यह पसंद नहीं था। इसलिए वह एक मंदिर में सफाई का कार्य करती थी और खाली समय में वहां रखी ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ती थी। एक दिन वहां के ट्रस्टी उसे पढ़ता देख बोले, यह जो तुम पढ़ाई पढ़ रही हो, यह पढ़ाई बुद्धि की है, परंतु बुद्धि को शुद्ध करने के लिए घर में बहुत युक्ति से चलना होता है, साथ ही खान पान की भी परहेज रखनी होती है। एक दिन सफाई करते हुए आशा वहां पर चढ़े हुए पैसों को उठाकर पर्स में छिपा लेती है। ट्रस्टी उसे ऐसा करके देख लेता है, परंतु जब वह आशा से पूछता है तो वो मना कर देती है। ट्रस्टी कहता है, ईश्वर का हरेक के कर्मों का हिसाब किताब चुप्त करवाने का कार्य बड़ा वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितने भी पाप कर्म छिपाए, परंतु वे छिप नहीं सकते, उसकी सजा जरूर भोगनी पड़ती है। आशा डर कर कहती, अब मुझे कैसे माफी मिलेगी? ट्रस्टी कहता है, ईश्वर का बनने के बाद अगर कोई भी पाप होता है तो ईश्वर को सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। अब तुम ईश्वर से ही सच्ची प्रीत रखो, उसी की याद में रहकर पवित्र बनो, तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा। आशा कहती है, इन गलतियों का मुझे बहुत दुख हो रहा है। ट्रस्टी कहता है, अब दुख की लहरों से नारे रहो और प्रभु प्यार का अनुभव कर खुशी से भरपूर हो जाओ। याद रखो, बुद्धिमान वह है जो गलतियों के अनेक रूप को सहज पहचान ले। इस प्रकार आशा अपनी गलतियों को सुधार हर कर्म ईश्वर को बताकर करने लगी। शिक्षा, हमें कोई भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।